नमस्कार, आरसी यादव क्लास में आपका स्वागत है। कारपेंट्री शॉप में मेजरिंग, मार्किंग, होल्डिंग आदि ऑपरेशनों के टूल्स के बारे में विस्तृत वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा। आज के वीडियो में कटिंग टूल्स इन कारपेंट्री शॉप में सा के बारे में बताऊँगा। किसी भी लकड़ी को पहले जो बड़े लट्ठे होते हैं, उन बड़े लट्ठों को सा मिल पे ले जाते हैं और वहाँ पे पावर सा के माध्यम से बड़े लट्ठों को चिराई की जाती है और चिरने के बाद आवश्यकता अनुसार अपने साइज में ले आते हैं। बड़े लट्ठों की चिराई के बाद लकड़ी को आवश्यक साइज में काटने के लिए मुख्य रूप से आरियों का प्रयोग किया जाता है। यह कारपेंट्री शॉप का मुख्य औजार है। यह इसका ब्लेड है जो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। इसका ब्लेड एक तरफ से पैरेलल और एक तरफ से टेपर होता है। इसकी थिकनेस जो होती है 0.75 mm से लेके 3 mm तक होती है। इसके ब्लेड पर आवश्यकता अनुसार एक साइड में या दोनों साइड में दांते बने होते हैं। इन दांतों के बीच का एंगल जो होता है, इसे गुलेट एंगल बोलते हैं। यह सामान्यतः 60 डिग्री पे रहता है। ब्लेड के एक तरफ हैंडल होता है जो रिवेट या स्क्रू की सहायता से जुड़ा रहता है। ये हिस्सा आरी का बैक होता है और यहाँ पे ये हिल होता है और ये टीथ होता है। आरी के आगे का हिस्सा जो होता है, इसे टो बोलते हैं। आरी की साइज इसके ब्लेड की लंबाई एवं दांतों पर निर्भर करती है। आरी के हैंडल या तो बंद मुड होते हैं या खुले प्रकार के, दोनों प्रकार के होते हैं। चिराई करते समय लकड़ी में ब्लेड फंसने न पाए, इसके लिए आरी के दांतों को जिग जैग सेट किया जाता है। इस क्रिया को सा सेटिंग कहते हैं और इस टूल्स को सा सेटिंग टूल्स कहते हैं। सा सेटिंग टूल्स के द्वारा आरी के दो दांतों को एक दूसरे के अपोजिट मोड़ा जाता है। जो आरी आगे की तरफ पुश करके चिराई करती है, उसे पुश सा या विकर्षण आरी कहते हैं और इसके हैंडल अधिकतर बंद अवस्था में रहते हैं। वेस्टर्न टाइप की आरियों को पुश सा या विकर्षण आरी कहते हैं और जो आरी पुल करके या खींच के चिराई करती है, उसे पुल सा या कर्षण आरी कहते हैं। जैपनीज टाइप की आरियों को पुल सा कहते हैं। इसका हैंडल सीधा होता है या खुला रहता है। कारपेंट्री शॉप में टाइप ऑफ सा के अंतर्गत कारपेंट्री शॉप में आरियाँ कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती हैं। उसमें जो सबसे पहली आरी होती है वह रिप सा है। रिप सा कारपेंट्री शॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली आरी है। रेसों के समांतर एलांग टू ग्रेन होने वाली चिराई को रिप कट कहा जाता है। इसी आधार पे इस सा का नाम रिप सा पड़ा है। इस आरी के ब्लेड की जो लंबाई होती है वह 60-70 cm होती है और ब्लेड के आगे के हिस्से की टो की जो चौड़ाई होती है वह 6-10 cm होती है और हैंडल की तरफ इसकी चौड़ाई 12 cm से लेके 20 cm तक होती है। इसके ब्लेड में दांतों की संख्या 2 teeth per cm होती है। रिप सा के दांतों के बीच का जो गुलेट एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है एवं दांतों का जो झुकाव होता है वर्टिकल से 18 डिग्री पे
होता है। कारपेंट्री शॉप में जो दूसरी सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली आ रही है वह क्रॉस कट सा है। क्रॉस कट सा रेशों के लंब रूप इस तरह से एक क्रॉस टू ग्रेन कटाई करती है। इसी आधार पे इसका नाम क्रॉस कट सा पड़ा है। इसका आकार रिप सा की तरह से ही होता है। इसकी लंबाई 50-70 सेंटीमीटर के आसपास होती है और 1 सेंटीमीटर में इसके दांतों की संख्या 3-4 होती है। क्रॉस कट आरी के दो दांतों के बीच जो झुकाव होता है, जो गुलेट एंगल बनता है वह 60 डिग्री होता है एवं इसके दांते वर्टिकल से 15 डिग्री पे झुके रहते हैं। तीसरा होता है यह एक जनरल पर्पस सा है। इसका आकार भी क्रॉस कट सा की तरह से ही होता है। इसके ब्लेड की लंबाई 50 सेंटीमीटर एवं नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर 5-8 होता है। इस आरी का प्रयोग फाइन वर्क, प्लाईवुड, दरवाजों के पैनल तथा रेशों की दिशा एलांग टू ग्रेन या एक्रास टू ग्रेन दोनों तरह की लकड़ी को काटने में किया जा सकता है। इसके बाद चौथा है हैंडसा। यह आरी भी एलांग टू ग्रेन या एक्रास टू ग्रेन चिराई कर सकती है। इसके ब्लेड की लंबाई 30-60 सेंटीमीटर होती है एवं नंबर ऑफ टीथ 3-4 टीथ पर सेंटीमीटर होती है। इस आरी का प्रयोग छोटे जाबों को काटने में किया जाता है। पांचवा आरी है टेनन्सा। इस आरी का प्रयोग मार्टीज एवं टेनन ज्वाइंट में टेनन बनाने के लिए किया जाता है। इसी आधार पे इसका नाम टेनन सा पड़ा है। इस आरी के ब्लेड की लंबाई 25-40 सेंटीमीटर होती है एवं इसके ब्लेड की चौड़ाई 6-10 सेंटीमीटर होती है। यह टो से लेके हिल तक एक समान चौड़ा एवं इसकी थिकनेस पतली रहती है। इसके ब्लेड कटाई करते समय मुड़ने न पाए इसलिए इसके पीठ पर पीतल या इस्पात की पूरी लंबाई में एक पत्ती लगा दी जाती है। टेनन्सा में 4-6 टीथ पर सेंटीमीटर होते हैं। यह आरी भी एलांग टू ग्रेन और एक्रास टू ग्रेन चिराई करती है। इस आरी के द्वारा छोटे एवं सीधी चिराई ही की जा सकती है। इसके बाद अगली आरी जो आती है डवटेल सा। डवटेल आरी का उपयोग फाइन वर्क एवं एक्यूरेट साइंग के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह डवटेल ज्वाइंट के टंग बनाने के लिए किया जाता है। इस आरी की लंबाई 20-30 सेंटीमीटर होती है एवं इसकी चौड़ाई टेनन सा की अपेक्षा कम होती है। इसके पीठ पर आवश्यकता अनुसार ब्लेड लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। डबटेल सा में 6-8 टीथ पर सेंटीमीटर होते हैं। इसका हैंडल हमेशा ओपन रहता है। इसके बाद अगली आरी आती है
कंपास सा। इस आरी का ब्लेड टेपर एवं लचीला होता है। इसके द्वारा लकड़ी के आंतरिक एवं बाह्य भागों पर स्ट्रेट या कर्व चिराई कर सकते हैं। अंदर की तरफ चिराई करने के लिए सर्वप्रथम लकड़ी पर ड्रिल करके होल बना लेते हैं, उसके बाद चिराई करते हैं। हैंडल की तरफ इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एवं टो के तरफ इसकी जो चौड़ाई होती है वह 2.5 सेंटीमीटर होती है। कंपास सा के ब्लेड की लंबाई 25 to 40 सेंटीमीटर होती है। एवं इसमें 12 टीथ पर सेंटीमीटर दांते बने रहते हैं। इसके बाद की होल सा यह आरी भी कंपास आरी की तरह से ही है, परंतु इसका ब्लेड और सकरा होता है। इसके ब्लेड की लंबाई 20 to 30 सेंटीमीटर होती है और इसके ब्लेड की चौड़ाई हैंडल की तरफ 6 मिलीमीटर एवं टो की तरफ 3 मिलीमीटर होती है। की होल्सा में नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर 5 to 6 टीथ होते हैं। इसका ब्लेड हैंडल में स्क्रू की सहायता से जुड़ा रहता है। इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। इस आरी का प्रयोग फाइन वर्क के लिए करते हैं। इसके बाद अगली आरी है बोसा। यह आरी धनुष के आकार की होती है। इसमें लकड़ी के दो भुजाएं होती हैं, जिसमें एक तरफ पतला लचीला ब्लेड होता है जो हैंडल के बीच में लगे एक लीवर को घुमाकर ट्विस्टेड डोरी से तान कर रखा जाता है। डोरी एवं लीवर के स्थान पर चूड़ीदार छड़ एवं नट का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके ब्लेड की लंबाई 30 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 1 सेंटीमीटर होती है। इसका उपयोग पतले लकड़ी के सीटों पर आंतरिक व बाह्य कर्व काटने में होता है। इसके बाद अगली आरी है कॉपिंग सा। इस सा का प्रयोग बो सा से ज्यादा होता है। इसमें एक यू आकार का मुड़ा हुआ लोहे का फ्रेम होता है, जिसके दोनों सिरों के बीच ब्लेड को आसानी से लगाया जाता है। ब्लेड को तनाव में रखने के लिए हैंडल को घुमाया जाता है। लीवरों की सहायता से ब्लेड को किसी भी कोड़ी स्थिति में घुमाकर लाया जा सकता है। इसके ब्लेड की लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है। इसके द्वारा भी बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के तिछड़ बकरों की कटाई करते हैं। यदि हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।